हरियाणा एच 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, PRP, माइक्रो डर्मा ब्रेसन, डर्मा रोलर, रेडियो फ्रिक्वेंसी कंसल्ट डॉक्टर प्रशांत त्यागी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट 7056511111। कोयले की भट्ठी की आंच से बनेगी शुद्ध देसी घी व खांड से मिठाई, कमाई में से 9,51,000 गौशाला को देने का ऐलान। गौशाला करेगी समाजसेवी राकेश मलिक को सम्मानित। समाजसेवी एवं शुद्ध खाने के समर्थक राकेश मलिक ने सैदपुर गौशाला के सामने अपना देसी घी व देसी खांड से बने घेवर के स्टॉल लगाए हैं। गुरुकुल से आए छात्रों ने मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ किया। स्टॉल लगाने से पहले ही ऐलान किया गया कि सारी कमाई गौशाला को दान दी जाएगी, जिसमें सीजन पर करीब 9,51,000 रुपये की राशि गौशाला को दान में दी जाएगी। सहज पके सो मीठा होई वाली कहावत पर को चरितार्थ करते हुए इस बार कोयले की भट्टी की आँच में घेवर, जलेबी व समोसा बनाया जा रहा है। शुद्ध आइटम के मूल्य खरगोदा सोनीपत व रोहतक के बाज़ार से बहुत कम रखे हैं। सादा घेवर 300 रुपये, दूध का ब्राउन घेवर 350 व मावे का घेवर 400 रुपये प्रति किलोग्राम रखा है। जलेबी का मूल्य 250 रुपये प्रति किलोग्राम रखा है। समोसे का रेट केवल 5 रुपये रखा है। आपको बता दें कि 20 वर्ष पहले समोसे का रेट 5 रुपये होता था। सैदपुर में राकेश के स्टॉल पर जो समोसा बनेगा वह शुद्ध सरसों के तेल में बनाया जाएगा। गौशाला सेवा समिति व जिला परिषद चेयरपर्सन के पति राजवीर दहिया ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को संस्था द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह खास बात यहाँ ये है कि सबसे सामने शुद्ध मिठाई बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ से कई क्विंटल खांड मंगवाई गई है। देसी घी व गाय का शुद्ध दूध गौशाला से लिया जा रहा है। ज़रूरत पड़ती है तो गांव से दूध आता है। इस बार कोयले की भट्ठी लगाकर सारे व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक प्राकृतिक तरीके से मिठाई बनाई जा सके। राकेश का कहना है कि उन्होंने अपने गांव में ज़मीन भी डिस्पेंसरी के लिए दान में दी हुई है। उनका उद्देश्य मानव सेवा का है। उन्होंने अपने लिए कमाई नहीं करनी होती, जो भी कमाई होती है उसे वह गौशाला को दान देते हैं। इस वर्ष गौशाला को 9.5 लाख रुपये दान देंगे। इसके बाद मुनाफा अधिक हुआ तो वो सारा मुनाफा भी गौशाला को दान में दिया जाएगा। सैदपुर में इस तरह का स्टोर लगाने से खरखुदा का बाजार प्रभावित होगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो आगे बड़े बुजुर्ग गौशाला के कमेटी के चेयरमैन जी है, जो सैदपुर के प्रधान विनोद प्रमोद भाई, और इन्होंने जो प्यार दिया ना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और जो आशीर्वाद से मैंने जो तपस्या करने का एक अंदर तक एक कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास मिला है, और जो बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है उससे एक अंदर की बहुत बड़ी ताकत मिली है मैंने, और उस ताकत से मैं आज ये जो गौशाला है उसको पूरा अपना नौछावर करता हूँ अपने आप को, और जितनी भी जो ये 9.5 लाख है ये तो दूंगा, इससे ज़्यादा होगी तो उससे ज़्यादा भी दूंगा, और जितना हो सकेगा मैं गौशाला को अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा। आपको क्या विश्वास है कि लोग भी शुद्ध लेने के लिए आएंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे? वो मेरे को इसलिए विश्वास है, एक तो आपकी बार मैंने परिवर्तन किया है, भट्ठी है मेरे पास कोयले की, तो जो कोयले की भट्ठी से क्या होता है ना, धीरे धीरे बनता है चीज़, धीरे धीरे जितनी धीरे धीरे बनेगी ना उसका न्यूट्रिशन भी प्रकार रहेगा और उसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा, एक नुकसान नहीं करेगा, और साथ में खांड है हमारे पास, देसी घी है, और हमारे पास अपना मावा है, तो ये पूरे विश्वास के साथ मैं कहूँगा कि सब आएंगे पहले की तरह, और जो हिंदुस्तान के इंसान है वो समझते भी है भावनाएँ और देश प्रेम की भावना भी समझते, और उनको पता भी है कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई के साथ वो इधर आके मिठाई का आनंद भी लेंगे। आपने अपनी ज़मीन डिस्पेंसरी को दान में दे रखे, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसमें मैंने ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आने वाला समय है उसमें हम जो ये आसपास के जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें हम निःशुल्क भोजन सात्विक भोजन पर हम देंगे। उनसे क्या होगा कि जो मरीज और मरीज के साथ आए हुए लोग हैं वो फ्री में अपना भोजन समय के साथ देंगे। और उनका आज पहला दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले दिन पे बिक्री को लेकर? क्या कहेंगे बिक्री को लेकर? बहुत ज़्यादा उत्साह है, लोग खाने के लिए काफ़ी दिन से आ भी रहे थे और अभी भीड़ लगनी शुरू भी हो गई है, और ये भीड़ पहले भी ऐसे लगी थी। मैं तो ये बोलूँगा कि हम इस भीड़ को अच्छे से कलेक्ट करके और अच्छे से उनकी सेवा कर पाए, और इस चीज़ को हम अच्छे से तैयार करके कोई ऐसा कंप्लेन मतलब बुलाने का काम ना हो, और हम अच्छे से वो ये त्यौहार में कर पाए। मैं समाज को बताना चाहूँगा कि इस भाई ने पिछले साल भी यहाँ अपनी दुकान लगाई थी, और ये यहाँ से ही गौशाला से दूध खरीदता है, और उसी का ये घेवर वगैरह
और घी वगैरह मक्खन वगैरह यहीं से यूज करता है। तो ये बहुत शुद्ध है, ये चीनी का प्रयोग नहीं करता, देसी खांड का प्रयोग करता है। और पिछले साल भी जैसे हमने देखा तो इसकी बहुत मतलब शुद्ध मिठाई है, लोग बाहर से दिल्ली वगैरह से दूर दूर से लोग यहाँ इसका घेवर व जलेबी जैसे ये मिठाई बनाता है तो उनको यहाँ ख़रीदने के लिए आते हैं। और ख़ास बात एक और है इसमें कि इन्होंने पिछले साल भी हमारी जो अठगम्मा गौशाला है सैदपुर में, इसने पिछले साल भी बहुत योगदान दिया था और अब की बार भी इसने 9,51,000 रुपये पहले ही गौशाला में दान दे दिए हैं। तो हमको ये मानते हैं एक भाई शुद्ध जो मिठाई मिलती है वह यहाँ गौ माता के दूध की, घी की और देसी खांड की जो मिठाइयाँ बनती हैं मिलती हैं वो सैदपुर गौशाला में। उसके बारे में तो जी जितना कम वही थोड़ा है जी, ऐसा धनी आदमी, ऐसे शुद्ध मिठाई देने वाला, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, करीम वगैरह जो भी है जी सबके सामने बनता है। और छत्तीसगढ़ की खांड है जी, करीबन 8,000 की पड़ती है जी इकट्ठा। इनकी ज़मीन है जी गांव पिनाड़ा में ऑन रोड, तो वो डिस्पेंसरी का जगह हुआ था भैया, डिस्पेंसरी खुलवा दी जाए। तो ये बोले भाई ज़मीन देखें किसी की, ये इनके फादर बोले ये ज़मीन अपनी ये दे देते हैं जब डिस्पेंसरी खुलती है, तो वो भी उनका काम है। तो सेवा भाव का आदमी है जी, हर जगह मंदिरों में, एक स्कूलों में, एक गौशाला में दान कर दीजिए, वो डिस्पेंसरी कोई पैसा नहीं दिया। खरखुदा फरवाना में शिव कावड़ सेवा संघ की ओर से ग्रामीणों के साथ मिलकर 17वां शिविर लगाया जाएगा, जिसमें कावड़ियों की सेवा की जा सके। इसके साथ ही हर वर्ष की तरह इस बार भी इस दौरान 7वां रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। शिविर को 12 जुलाई को हवन यज्ञ के साथ शुरू करते हुए 14 जुलाई तक चलाया जाएगा। When parents and teachers develop a strong bridge to help the child excel, it can create wonders. Birla School believes that PTM play a huge role in shaping a child's educational journey and future academic success. Birla School encourages parents to participate in school PTM actively, which helps the teacher and parents to know one another better and work for the benefit of the students. Birla School give your child a better value. Admission open for session 23-24 for classes pre-nursery to 9 and 11. कन्या महाविद्यालय खरखुदा affiliated to महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, NAAC accredited grade A in third cycle, regular post graduate programs MA Hindi, MA Geography, MSc Computer Science. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखुदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।